सर्वाइकल स्पून राइटिस की और फ्रोजन शोल्डर की, कंधे जाम हो जाते हैं, गर्दन में दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आजकल मैं देखता हूँ कई बार कईयों के घर में बहुत मोटे मोटे तकिया, तो आप अपने तकिए को पतला कर दीजिए। यानी कि तकिया कितना होना चाहिए, लगभग कंधे और इसकी जितनी इसमें गैप है, यानी कि लगभग लगभग ये 4 इंच, 4 इंच के लगभग होना चाहिए तकिया, उससे ज़्यादा नहीं, जिससे कि आप सोते हैं तो ये गर्दन नीचे ना हो जाए, लगभग इसके कंधे के बराबर में आपका सर रहे। इसके लिए आवश्यकता होती है, इससे मोटी तकिया न लगाएं। सोते समय भी बहुत आड़े तिरछे ना सोएं, थोड़ा शरीर को आप सीधा रखें, और ऐसा भी नहीं उल्टे हो, ऐसा भी ना सोएं। कई लोग कोई सीधे सो जाते हैं, कोई मुद्दे सोते हैं, नहीं, सोने की विधि शास्त्रों में उल्लेखित है कि आपको बामशाही यानी कि बाई ओर से हमको करवट लेकर के सोने वाला होना चाहिए, जिससे कि हार्ट पर ज़्यादा जोर ना पड़े और आराम से आपका पैरों को सीधा रख करके, जैसे सर्दी का मौसम है, कई लोग बिल्कुल उकड़ू होकर के और बिल्कुल फुटबॉल की तरह से अपने आप को समेट करके सो जाते हैं, कछुए के तरह से नहीं, आप पूरे पैरों को सीधे कर करके आप सोइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों को भी आप आदत डलवाइए, और रात को सोते समय ये ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी भी, चाहे सर्दी कितनी भी हो, टाइट वस्त्र पहन करके कभी नहीं सोना चाहिए। रात्रि को सोने वाले वस्त्र थोड़े ढीले होने चाहिए, ढीले वस्त्र पहन करके ही आपको सोना चाहिए। सोते समय ये ध्यान रखिए, क्योंकि मुंह ढक कर के सोना बहुत ही हानिकारक है, कितनी भी सर्दी हो। ज़्यादा ठंड है, आप सर पे कोई टोपा पहन लीजिए या फिर आप कोई कपड़ा लपेट लीजिए, परंतु पूरे मुंह ढक करके नहीं सोना चाहिए। उससे कई बार जो हमारे को जो ऑक्सीजन चाहिए या शुद्ध हवा चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उसे नुकसान होने की संभावना रहती है। बात छोटी है, परंतु इन्हीं छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है, छोटी छोटी बातों से जीवन बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों से रिश्ते बनते हैं, छोटी छोटी बातों से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। तो बात चाहे छोटी हो, पर यह महत्वपूर्ण है, कभी भी हम किसी भी चीज़ को छोटी और बड़ी नहीं, कितनी लाभकारी और उपकारी है उस दृष्टि से उसको अपनाएं, उसको अपना करके अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाएं। और आयुर्वेदिक ये निरापद हैं, दिव्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप अपनाइए, इनके माध्यम से आप निरोग बनिए, और हमारे प्रयास से एक के भी जीवन में प्रसन्नता आ जाए, खुशहाली आ जाए, हमारा जीवन सफल